गोरखपुर जिले में मंगलवार को 189 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। गोरखपुर में होप पेनेसिया हॉस्पिटल में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,228 हो गई है। 10,200 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 2,849 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 87 नए मरीज मिले हैं। इनमें गोरखनाथ थाना क्षेत्र में मंगलवार को सबसे अधिक 31 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 21, कोतवाली थाना क्षेत्र में 4, कैंट में 15, रामगढ़ताल में 3, मुलेरिया में 8, चिलवाताल 4, राजघाट में 1 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 80 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर में 7, भटहट 3, चरगावा 11, गगहा में 3, खुराबाड 10, पिपराइच में 4, पिपरौली में 7, सहजनवा में 1, उरुआ में 3, खजनी में 3, सरदारनगर में 10, बांसगांव में 1, कौड़ीराम में 12 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 22 मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील की जा रही है।